राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ चपले से आया हूँ, चपले के पास से। वहाँ के सब जने आपको बोले हैं जय जोहार कहे बर किहिन है और पूछत रहिस कहे बर किहिन है। क्या कहा, हिंदी में बोलो। आपका हाल चाल पूछ रहे थे सब। अच्छा जी, ठीक है, ठाकुर जी कृपा है जी। और गुरु जी, मेरा कुछ प्रश्न था रामायण से, आप बताने का कृपा करेंगे। बोलिए बोलिए। राम जी ने बाली को अवसर क्यों नहीं दिया? राम जी ने बाली को अवसर क्यों नहीं दिया? दिया है भैया एक अवसर। एक बार सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे, तो राम जी ने पहली बार में नहीं मारा बाली को जी, अवसर दिया है। तो उस समय तो थोड़ा राम जी से भूल हो गई थी सर। भगवान से भूल कैसे हो जाएगी? एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही ब्रह्म ते नहीं मारे सो। राम जी को ये भूल नहीं, राम जी को भ्रम हो गया। भ्रम ये हो गया कि राम जी जब दोनों भाइयों को लड़ते देखे, तो राम जी को लगा कि एक भाई मेरा है भरत, जो सब छोड़ के मेरे लिए आया, और ये दोनों भाइयों को लड़ते देखे राम जी, तो राम जी को ये लगा कहीं मैं कलयुग के भाइयों को तो नहीं देख रहा हूँ। ये भ्रम हुआ, भूल नहीं हुई, भ्रम हुआ। और गुरु जी, भगवान कृष्ण को बाली नहीं मारा था ना? वह बाली ही इस रूप में बना और भगवान श्री कृष्ण को उसने चरणों में बाण मारा। तो बाली को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था गुरु जी? मोक्ष तो हो गया था जी, पर भगवान ने कहा था कि तेरी इच्छा है तो तू आ जाना। तो भगवान है, जब चाहे मोक्ष दे दें और मोक्ष के बाद जब चाहे भेज दें। तो भगवान है, लीला के लिए भेजे थे, फिर उसका फिर मोक्ष हो गया। भगवान कृष्ण तो राम भगवान के अवतार थे। हाँ। और उनका सहयोग जामवंत जी ने राम जी का बहुत सा सहयोग किया था। बिल्कुल। लेकिन जामवंत जी के साथ युद्ध काहे किए राम जी? क्योंकि जामवंत जी ने खुद कहा था राम जी से कि लंका में रावण मर गया, हमारी बराबरी का तो कोई मिले ही नहीं युद्ध करने के लिए। तो जामवंत जी ने कहा राम जी जरा दो दो हाथ की आप ही कर लो, हमारी खुजली मिटाओ। राम जी बोले कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अपने भक्त से लड़ूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी, मैं अगले जन्म में द्वापर में कृष्ण बनूंगा तब तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। इसलिए जामवंत जी के कहने के कारण युद्ध किया था जी। और मेरा अंतिम प्रश्न है गुरु जी, मेरे मित्र गजेंद्र राठिया ने पूछने के लिए बोला है, माता सीता के कहने पर क्यों करुणा निधान श्री रामचंद्र जी कृपालु कहे हिरण के पीछे दौड़े मारने के लिए? भाई पत्नी को चाहिए हिरण जी, तो पत्नी की आज्ञा ना पूरी करें, पत्नी की बात ना माने, तो उसमें तो जीव हत्या भी हो रहा है साथ में। जीव हत्या मैंने इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ कि राम जी हैं राजा जी, और राजाओं को जंगल के जानवरों का शिकार करने का अधिकार होता था। जैसे डॉक्टरों को चूहे मारने की इजाजत है क्योंकि चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए राजाओं को यह अधिकार था कि जो जंगल के दुष्ट जानवर होते हैं, जैसे एक जानवर चार को परेशान करता है, तो उन दुष्ट जानवरों को मारने का अधिकार सिर्फ राजाओं को हुआ करता था। इस अधिकार से राम जी ने मारा था। पर तो सुंदर सा स्वर्ण मृग था ना? हैं? वो तो बिना नुकसान पहुंचाने वाला पशु था ना। राम जी को पता था कि ये मारीच है। तो मारीच तो कुछ गलत काम नहीं किए थे ना? गलत काम नहीं किए थे, पर फिर भी आगे लीला बढ़ानी थी ना। यदि ना मारते तो फिर रावण तक कैसे पहुंचा जाता, आगे की लीला कैसी होती? तो ये आगे की लीला में एक सहायक था मारीच, उसको इस लीला के द्वारा वहां तक पहुंचना था जी, इसलिए लंका वासियों का कल्याण करना था, इसलिए लीला थी। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए।